नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक बड़ी खबर सामने आई है विरार से, जहां विरार में रेलवे के एक इंजीनियर ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के अनुसार कल रात में 12:30 बजे विरार के अपने मकान में रह रहे इस इंजीनियर ने, जिसका नाम नितिन चौरासिया बताया गया है, खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये इंजीनियर हाल ही में कुछ महीने पहले विरार से अंधेरी ट्रांसफर हुआ था इसका, और इसकी मौत के बाद परिवारजनों का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता था, उसी डिप्रेशन के चलते इसने इस तरह का कदम उठाया होगा। मामले की जानकारी पर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक बार फिर से आपको बता दें, ये इंजीनियर रेलवे में कार्यरत था, विरार में रहता था, नितिन चौरासिया नाम है इंजीनियर का, और अंधेरी में पदस्थ था। देखिए इस वीडियो में आगे इसके परिवार ने क्या कुछ कहा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मुझे नहीं समझ में आया यार, मैं तो समझ नहीं आया। क्या हुआ तो? नहीं, मैं चली गई दूसरे रूम में और आवाज आई तो मैं गई। कितना बजे हुआ है? मुझे टाइम नहीं पता। क्या काम करते थे? रेलवे में थे। छोटी छोटी बात में डिप्रेस हो जाते थे। मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा कर लेंगे, इनमें नहीं जाती। नहीं पता, मुझे नहीं पता। दादा, आपका नाम? राघवेंद्र चौरसिया। क्या हुआ है आपके फूफा के साथ? क्या अचानक रात को 11:30 या 12 लगभग, अब टाइम तो एक्चुअल नहीं मालूम है, लेकिन उसी बीच में बुआ ने हमको कॉल किया, जल्दी आ। मैं तो वहीं के नीचे गया था, वहाँ पे मेरा दुकान है पापा का, तो उस पर छप्पर बना रहा था। अचानक मैं भाग भाग के, हम लोग 2-3 लोग थे, मेरा भाई था और एक साला था, भाग भाग के हम लोग गए। तो गए तो अचानक देखे हम लोग खून से लथपथ थे, तो मुझे लगा शायद खून की उल्टी किए हैं। तो मैं गया उठाने के लिए कि जल्दी इनको लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि वो गन से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रखते थे और शायद उसी से वो अपने को घायल कर लिए। उसके बाद से एक जन और आए, राकेश चाचा आए, तो उनकी मदद से चारों जन मिल के उनको ऊपर से नीचे लाए। कितना बजे हुआ है? अब एक्चुअल टाइम तो नहीं, लेकिन 11:30 के करीब लगभग हुआ रहेगा, 11:15 से 11:30 के बीच में। क्यों किया कुछ समझ में आया? अभी हमको पता नहीं पाएंगे। ऑफिस का वगैरह प्रेशर था क्या? अब वो प्रेशर का वही जानते हैं, क्योंकि वो तो गुमसुम रहते थे, सब खुल के बताते। हम लोग से मुलाकात भी बहुत कम होता था। क्या काम करते थे? वो रेलवे में इंजीनियर पोस्ट पे थे, कोई इंजीनियर था। इस समय अंधेरी में ही उनका ट्रांसफर हुआ था, नए में हुए थे, 1.5 महीना यहाँ ट्रांसफर हुआ था, इसके पहले गुजरात रहते थे। तो अभी इसी समय जल्द ही आए हैं। अभी किधर रहते थे? नाइट ड्यूटी था इनका यहाँ पे, 2 दिन से बता रहे थे वर्क, 2 दिन से ड्यूटी नहीं गए। तो सर डिप्रेशन का उनका टेबलेट भी चालू था, गोली भी चालू था उनका। तो ऑफिस का वगैरह प्रेशर था? अब ये प्रेशर का हम कुछ नहीं बता पाएंगे, वो बुआ ही जानती होंगी और वही जानते होंगे। किधर रहते थे? इधर राम निवास बिल्डिंग, वर्तक हॉल के जबर जस्ट पास में ही है, राम निवास बिल्डिंग है, इसी पर 3rd फ्लोर पर रहते थे वो लोग। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।